पाकिस्तानी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी सचिन मीणा की लव स्टोरी जिससे आज की तारीख में लगभग हर कोई वाकिफ है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि सीमा प्रेग्नेंट है और वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह सचिन या सीमा के पहले पति गुलाम हैदर किसका नाम होगा? क्या इस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी? ये ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाह रहा है। चलिए जानते हैं भारत का कानून उस पर क्या कहता है। एडवोकेट अद्वितीय सिंह संब्याल ने मीडिया से बातचीत की और इस बारे में बताया। एडवोकेट ने बताया कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो अवैध तरीके से नेपाल के बॉर्डर से होते हुए भारत आई हैं। विदेशी अधिनियम के अनुसार सीमा एक अवैध प्रवासी है, वो पहले से शादीशुदा भी हैं। सीमा का कहना है गुलाम ने उन्हें और उनके चारों बच्चों को 2019 में ही छोड़ दिया था। इसके बाद सीमा ने सचिन के साथ नेपाल के मंदिर में शादी की, लेकिन वहीं गुलाम का कहना है सीमा ने उनका कोई तलाक नहीं हुआ और इसके लिए गुलाम ने सीमा के खिलाफ पाकिस्तान में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब को दिए गए इंटरव्यू में गुलाम ने कहा वो सीमा और सचिन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, साथ ही अपने चार बच्चों को भी भारत से वापस ले जाएंगे। इधर सीमा भी तलाक का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। वकील संब्याल ने कहा है कि ऐसे केस में अगर वो बिना तलाक लिए सचिन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और इस दौरान उन्हें कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे नाजायज माना जाएगा। बच्चे को उसके असल पिता का नाम मिलेगा, यानी सचिन और सीमा के केस में बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता की जगह सचिन का ही नाम लिखा जाएगा। सचिन को ही बच्चे का पिता माना जाएगा, लेकिन सीमा खुद अवैध प्रवासी है और सचिन भारत का नागरिक। इस केस में दोनों के बच्चे को भी अवैध प्रवासी माना जाएगा। बता दें सीमा केस में गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को वापस साथ ले जाने के लिए एक भारतीय वकील को हायर किया। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वकील अली मोमिन अब गुलाम हैदर का केस लड़ेंगे। भारतीय अदालतों में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी है और इस मामले में सीमा सचिन के वकील एपी सिंह ने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, अब उन्हें आधिकारिक तौर पर इसके बारे में पता चलेगा तो वो जवाब देंगे। बता दें सीमा और सचिन मीणा के मामले की जांच वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते द्वारा की जा रही है। दोनों को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सीमा सचिन जमानत पर रिहा है। इस समय वो अपने चारों बच्चों के साथ सचिन के नोएडा स्थित रबुपुरा में रहते हैं। सीमा का कहना है वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, अगर वो पाकिस्तान गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। सीमा ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। सीमा का कहना उनके बच्चे भी गुलाम को अपना पिता नहीं मानते, सचिन को ही अपना पिता मानते हैं और सचिन भी उन्हें बहुत प्यार करता है।